नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो यूट्यूब में छाया हुआ मुद्दा है उसके बारे में। वो मुद्दा क्या है? कयास। इस चीज़ का कयास वो OROP3 का, 8th पे कमीशन का और 18th मंथ डीए एरियर का। हर यूट्यूबर यही बता रहा है कि आपको 18 मंथ का डीए भुगतान होगा और 8th पे कमीशन की घोषणा होगी और OROP3 तो मिल चुका है, उसकी टेबल जारी भी हो गई है। 8th पे कमीशन की टेबल जारी भी हो गई है, पता नहीं कहां से कुछ लेटर भी लेके आके उन लेटर का एनालाइज भी कर चुके हैं, परंतु मिला कहां, ये तो कहीं नहीं दिख रहा है। दोस्तों, अभी चुनाव भी नहीं है जिससे गवर्नमेंट कुछ करे कि वोट देंगे इस वजह से हम कुछ करते हैं। जब चुनाव से पहले नहीं करे कि ये लोग, तो चुनाव के बाद तो मतलब ही नहीं होता। इंतज़ार और भी बाकी करना है, अभी चार साल तक इंतज़ार करना है आपने। इंतज़ार 4 साल तक करेंगे, उसके बाद ऐसे ही आपको सपने दिखाई जाएंगे। बीच बीच में नोटिफिकेशन आएंगे ज़रूर, मुद्दा जिंदा रखने के लिए, और वो मुद्दा ही रहेगा, उसको सॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्व करेंगे ही नहीं, ताकि आप एक वोट बैंक बने रहें और आपको वोट बैंक से दूर नहीं जाने देना है। यही कारण था बीजेपी को इस बार सीट कम मिली। अगली बार अगर ऐसा हुआ, अगर इन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, तो शायद जनता इनको सबक सिखा देगी। अदरवाइज अभी तो काफ़ी सबक सिखाया है, जहां 45 से 48% पिछली बार वोट शेयर मिले थे इनको, इस बार 38% वोट शेयर मिले हैं। पे कमीशन, जहां तक पे कमीशन का सवाल है, वैसे समय हो चुका है 2026 में डिक्लेयर होना है, बशर्ते कि ऐसा गवर्नमेंट करेगी नहीं, क्योंकि अभी तो नहीं करेगी। अगर कर सकती है तो 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये करेंगे, और इसके ऊपर इन्होंने जवाब भी दे चुके हैं, संसद में बता चुके हैं कि पे कमीशन हम अभी नहीं दे रहे हैं, या ये क्लियर कर चुके हैं। और इस पे राजनीति ज़रूर हो रही है, वही जो मुद्दा जिंदा रखने की बात कर रहा हूँ, वही प्रयास किया जा रहा है। और हर पार्टी अपनी पार्टी को चमकाने के लिए ये सारे चीज़ें बाहर लेके आ रही हैं, हम कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। सारी पार्टी एक हो जाती हैं, जब एम्प्लॉयज़ को कुछ देना होता है तो सारी पार्टीज एक हो जाती हैं, और ये सब इकोनॉमी के ऊपर काम करने लगते हैं। इस बार के बजट में डिफेंस को सबसे ज़्यादा बजट आवंटन हुआ है, उसमें ये न समझें कि ये आपकी तनख्वाह और पेंशन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, नहीं, ये है सिर्फ इक्विपमेंट और सेना को सशक्त बनाने के लिए ही यह किया जा रहा है। अदरवाइज आपके और आपके हितों को अभी भी दरकिनार किया जा रहा है। सरकार तभी ये सब कुछ करेगी जब उसके सामने कोई मुद्दा होगा, यानी कि चुनाव का मुद्दा होगा, तभी करेगी, अदरवाइज नहीं। और ये 3 चीज़ें जो हैं, या तो मिल ही जाएंगी या बहुत मुश्किल है, और हर यूट्यूबर इसके सिर्फ कयास लगा रहे हैं। आप जैसे OROP3 का तो टेबल तक बना के आपके सामने पेश कर चुके हैं, लेकिन OROP3 का अभी तक कोई नोटिफिकेशन किसी ने भी नहीं दिया है, और 18 मंथ का जो डीए है वो अभी कोई विचाराधीन नहीं है, और 8th पे कमीशन का भी कोई विचाराधीन है नहीं। और अगर आपको लगता है कि हम यूट्यूबर के साथ चलें, तो चलने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मेरी सलाह ये है कि ये एक सिर्फ कयास है, कयास के साथ अगर चले तो ठीक है, नहीं चले तो
जयराम जी की। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों को पता चले कि सरकार की मंशा क्या है। एक छोटा सा एनालाइज मैंने किया है, अगर आपको भाता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।